नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर.com के लाइव ट्रेडिंग में मैं रोज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये जो मैंने आपको एग्जीक्यूशन दिखाया, ये जो आप एग्जीक्यूटेड देख रहे हो, ये तो आप देख ही चुके हो इसके पहले वाले मेरे वीडियो में। अब एक बार जरा हम लोग देख लेते हैं। मैं एक बार दोबारा से अभी से 10:15 हो रहा है दोस्तों रात का, और मुझे अभी यहाँ पर सेलिंग ट्रेड मिला है। मुझे अभी यहाँ पर सेल करना है, RL को मैं SL में कन्वर्ट करता हूँ। G6JN22 ये कैरी फॉरवर्ड मेरा प्रोडक्ट टाइप है। 2757 पर मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले। दोस्तों काफी सारे लोग बहुत सारी बातें कहेंगे कि मार्केट इतना नीचे गिर चुका है उसके बाद भी रोज चेक कर रहा है। दोस्तों मैं रूल को फॉलो करने वाला पर्सन हूँ, और मुझे जब ट्रेड मिलता है तब मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मेरे चार्ट जब मुझे कहते हैं तब मैं ट्रेड ले लेता हूँ। फिर जो भी एसएल होता है वो मैं ले लेता हूँ, जो भी टारगेट होता है वही मैं डाल देता हूँ। 2757 ये मैं GTC कर दे रहा हूँ। 4 मेगा लॉट मैंने लगा दिया और 5 मिनी लॉट अब मैं लगा रहा हूँ। 5 मिनी लॉट क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं पर 5000 मेरा 1 मिनी लॉट एक्सटेंशन का मेरा प्रोग्राम है। 10:17 हो रहे दोस्तों, अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई है, राइट? ओके दोस्तों, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है 10:21 पर, और मैं जैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया मैं स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देता हूँ। G6JN22 2863 का मेरा स्टॉप लॉस है दोस्तों। जी हाँ, 106 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। अभी 2863 ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। मेगा में सबमिट ऑर्डर एंटर, मेगा में मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है दोस्तों। अब मैं टारगेट लगा देता हूँ G6JN22 कैरी फॉरवर्ड 2651 का मेरा टारगेट है दोस्तों। GTC ऑर्डर टाइप GTC 4 लॉट 2651, राइट? ओके यस दोस्तों, लोअर सर्किट 2701 का इसलिए टारगेट ऑर्डर नहीं लगेगा, राइट? कोई बात नहीं, हम लोग टारगेट ऑर्डर को कल लगा लेंगे, कल मॉर्निंग में, राइट? लेकिन सबसे पहले मैं मिनी का लगा देता हूँ स्टॉप लॉस। मिनी का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ G6JN22। दोस्तों हम ही एक चैनल है जो एक ही आईडी पर 1 जनवरी 2017 से कंटिन्यूस आपको लाइव ट्रेड दिखा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर में एक ही चैनल है, राइट? अकाउंट स्टेटमेंट का वीडियो भी दिखा रहे हैं दोस्तों, आई बटन में वो अकाउंट स्टेटमेंट का वीडियो आ जाएगा, प्लीज उसे भी जा करके देख लीजिएगा। पिछले 5 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट है। 2863 का मैंने SL लगा दिया दोस्तों। 106 पॉइंट का SL, 106 पॉइंट का टारगेट है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा इस ट्रेड में, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार मिनी में डाल करके कि ये वाली ऑर्डर भी रिजेक्ट हो जाएगी। और ये रिजेक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि लोअर सर्किट के नीचे का है, आपको ऑर्डर प्राइस प्रेस करने नहीं देता एक्सचेंज, आपको प्राइस प्रेस करने नहीं देता, आप नहीं लगा सकते। ये आप देख सकते हो लोअर सर्किट 2701 का DPR, माने अपर सर्किट और लोअर सर्किट की वैल्यू होती है दोस्तों, डेली प्राइस रेंज, राइट? ठीक है, तो अभी कल हम लोग वेट करेंगे हमारा या तो टारगेट आने का या तो फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाने का। स्टॉप लॉस भी मॉडिफाइड स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होगा। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों ट्रेड बुक भी देख लीजिएगा, मैं ट्रेड बुक भी दिखा रहा हूँ मिनी में। ये 2821 ये तो खैर आज का ये आपने देख लिया पिछले वीडियो में, राइट? और 2757 के ऊपर में मैंने ऑर्डर डाली है। दोनों के ट्रेड बुक आपको दिखा दिए। GWC इंडिया भी आपको दिखा रहा हूँ लॉगिन करवा करके, राइट? बैक ऑफिस दोस्तों, मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है इसलिए ऐसे ट्रेड्स आ रहे हैं। अब मुझे भी समझ में आता है कि ट्रेड्स आ रहे हैं इतना नीचे आने के बाद में लो सेल करना है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं रूल्स को फॉलो करने वाला पर्सन हूँ। उसके बाद में जैसे मैंने बताया, मैं हमेशा कहता हूँ बस इसी टाइम पर मेरा कुछ टेस्ट होता है आप लोगों के सामने, मेरे क्लाइंट्स के सामने, सभी के सामने, और ये हम सबका टेस्ट है। क्योंकि दोस्तों जी की जब आप इस तरीके का जब आप रूल्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होता है कि ये ट्रेड अगर आप लेंगे तो आपको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर डर लगता है, राइट? लेकिन दोस्तों ये ट्रेड फिर भी लेना है, ये ट्रेड तब भी लेना है ताकि आप अपने उस डर पे काबू पा सको। आप समझ रहे हैं मेरी बात, राइट? आपको अपने उस डर पर काबू पाना है। और दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं, सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलता हूँ, इसे आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अगर आपके डिसिप्लिन को फॉलो करके अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेड लेने से आपका लॉस हो जाएगा, तब भी आप वो ट्रेड ले लीजिएगा, बिल्कुल आप घबराइएगा मत, राइट? और पैनिक करने का जरूरत नहीं दोस्तों। कल किसने देखा, हमें नहीं पता समय के गर्भ में क्या रखा हुआ है, राइट? तो हम लोग ट्रेड को लेंगे, राइट? हम लोग ट्रेड को लेंगे और देखेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि कल हम लोगों को हमारा टारगेट मिल जाए, होप करते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया अकाउंट स्टेटमेंट। देखिए आज अब मैंने 4 मेगा लॉट और 5 मिनी लॉट क्यों लगाया, क्योंकि आप देखिए अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2,27,835, राइट? यानी कि 2 लाख में 50,000 के हिसाब से 4 मेगा लॉट आ जाएंगे और 25,000 के हिसाब से 5 मिनी लॉट, इसीलिए 2 मेगा लॉट और 5 मिनी लॉट मैंने लगाए हैं दोस्तों, ठीक है? ये मैंने आपको दिखा दिया अकाउंट स्टेटमेंट में भी, फिनेंशियल लेजर में भी, और ये पूरे महीने का भी अकाउंट स्टेटमेंट फिनेंशियल लेजर वैसे आएगा आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगा, ठीक है? 3 तारीख तक
आज की तो खैर वैसे 21 तारीख की है। तो दोस्तों देखते हैं अब ये ट्रेड कितना नीचे आता है। अभी तक तो इसने लो कितना लगा, सर्विलेंस वॉच में भी एक बार आप देख लीजिएगा, GC22 अप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं भी देख लीजिएगा 2,27,835 रुपीज़ दिखा रहे हैं, राइट। और इसने लो लगाया तो दोस्तों 32 का, अभी तक 10,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें भी दिखा रहा है अभी भी, राइट। 32 का वैसे लो लगा, लेकिन आप जानते हैं मैंने अभी इस बार पूरा मेरा पूरा मैं ले लूंगा तो पूरा टारगेट, नहीं तो मेरा मॉडिफाइड एसएल। लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे आज का मार्केट वैसे भी क्लोज हो चुका है 11:30 को, राइट। और 2,863 का अभी भी पेंडिंग है स्टॉप लॉस, और टारगेट तो उसने हमें लगाने ही नहीं दिया, राइट। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में आगे। ये मैंने आपको ऑर्डर बुक दिखा दिया, ट्रेड बुक भी देख लीजिएगा। मेगा में सिर्फ और सिर्फ आज सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही एग्जीक्यूट हुई ट्रेड बुक में, राइट। ना ही तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ना ही हमारा टारगेट ट्रिगर हुआ। और ये जो आज सुबह से जो है जो ऑर्डर जो ट्रिगर हुई थी 21 की, उसके बाद में जो वापस से जो सेलिंग लगी है ये वो दिखा रहा है दोस्तों ट्रेड बुक का। ये अगर आपको देखना है तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 10,000 का प्रॉफिट बाद में फाइनली दिखा रहा है दोस्तों, 6,930 रुपये। पोजिशन अभी भी ओपन ही है, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं आगे क्या क्या होता है इस ट्रेड में, और वेट करेंगे इस ट्रेड को खत्म होने का, है ना। ओके तो अब हम लोग आते हैं, मैं इसे लॉग ऑफ कर देता हूँ। हम लोग आते हैं दूसरे दिन पर। लेट्स सी दूसरे दिन क्या हुआ है, यानी कि 22 तारीख को, राइट। और सुबह का टाइम है दोस्तों, और ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो एसएल है अब अपर सर्किट के ऊपर चला गया, आप समझ रहे हैं दोस्तों। कल लोअर सर्किट के नीचे था इसलिए हमारा टारगेट नहीं लगा, राइट। और आज हमारा स्टॉप लॉस का वैल्यू अपर सर्किट के ऊपर लग गया, यानी कि अब ये यहाँ पर मैं अब जब तक मेरा मॉडिफाइड एसएल मेरे चार्ट्स पर बनेगा नहीं तब तक मैं लगाऊंगा नहीं दोस्तों। देखिए और एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई इस ट्रेड में, और ये सब चीजें आपसे बताने थी, आपसे डिस्कस करनी है कि हम लोगों का कल टारगेट नहीं लगा, ठीक है, और आज हमारा स्टॉप लॉस भी कैंसिल हो गया। अब दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस भी कैंसिल हो गया, मेरा टारगेट भी नहीं लगा, इसलिए मैं क्या है ट्रेड छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिसिप्लिन ने आपको ट्रेड दिया है, आपके सिस्टम ने आपको ट्रेड दिया, आप ट्रेड में बने रह रहे हैं, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो गया, स्टॉप लॉस मॉडिफाइड स्टॉप लॉस बनेगा थोड़ी देर में, जब कभी भी समय होगा थोड़ी देर के बाद मॉडिफाइड स्टॉप लॉस बनेगा। जैसे ही मॉडिफाइड स्टॉप लॉस बनेगा वो हम अपडेट करेंगे, और नीचे में टारगेट हम लोग डाल करके रखेंगे, वेट करेंगे। लेट्स सी इस ट्रेड में क्या होता है आगे देखते हैं। 55, 54, 55, 54 चल रहा है प्राइस वैसे, राइट। मैं टारगेट लगा देता हूँ G6JN22 इंट्राडे का, मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। टारगेट प्राइस मुझे लगा नहीं 2,651, जो कि कल का भी था, हम लोगों का कल रिजेक्ट हुआ था 4 मेगा लॉट 2,651। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ टारगेट लगाएंगे 2,651 का, राइट। दोस्तों डिसिप्लिन फॉलो करते समय ऐसे कुछ टफ समय आएंगे, कुछ टफ टाइम आएंगे आपके पास में, जहां आप समझ नहीं सकते, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन आपको उस समय पर भी एक ही चीज करनी है, आपको आपके डिसिप्लिन को फॉलो करना है कंप्लीटली, राइट। ये मैंने मेगा का लगा दिया, मैं मिनी का भी लगा देता हूँ 2,651। हम लोगों का अब स्टॉप लॉस का ऑर्डर तो उसे कैंसिल हो चुका है। अब काफी सारे लोगों को डर लगता है कि यार पता नहीं कितना ऊपर चला जाएगा, तो दोस्तों हमें डरने का जरूरत नहीं, मुझे मेरे सिस्टम पर पूरा भरोसा है। हम लोग बहुत जल्द, अगर मान के चलिए ट्रेड अगर हमारे फेवर में भी नहीं जाता है, तो बहुत जल्द हम लोग हमारे इस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। मेरे मॉडिफाइड एसएल बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, राइट। 10:04 हो रहा है दोस्तों, थर्सडे है 22 जून। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है आज इस ट्रेड में, वेट करेंगे, वेट एंड वॉच ही रहेगा। ट्रेड बुक आप देख लीजिएगा पेंडिंग ही दिखा रहा है अभी तक टारगेट, राइट। और ट्रेड बुक में भी देखिएगा अभी तक कुछ भी नहीं एंट्री हुआ है, क्योंकि ना ही तो मेरा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस तो टिकर होने से रहा क्योंकि स्टॉप लॉस तो कैंसिल हो गया, और ना ही मेरा टारगेट आया है, राइट। ठीक है, मैंने आपको ट्रेड बुक दिखा दिया इंटीग्रेटेड प्रॉफिट में, क्योंकि कल नीचे में क्लोज हुआ था, तो अभी 6,250 रुपीज अभी पैसे नेगेटिव में दिखा रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है इस ट्रेड में, आगे क्या होता है, राइट। दोस्तों 1:01, सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरे कुछ क्लाइंट जो अभी ट्रेड कर रहे हैं मेरे साथ में, वो लोग जानते हैं कि किस तरीके का समय बिता है। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सब लोग पूछ रहे थे कि स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है। मैंने कहा जब तक स्टॉप लॉस चार्ट पे बनेगा नहीं तब तक मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा नहीं, ठीक है। फाइनली 1:01 पर वो अपडेट आया है, और 2,761 का मेरा मॉडिफाइड है। चले दोस्तों देखिएगा ये ट्रेड अगर मान के चलिए फेवर में जाता है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का, और टारगेट नीचे में 1:106 का है दोस्तों। 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, और 106, सॉरी 1:100 मैंने गलत बोल दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी,
पॉइंट का स्टॉप लॉस है दोस्तों, उस हिसाब से 106 पॉइंट्स का टारगेट है। रशि मैं नहीं जानता स्टेट में क्या होगा, मैं हमेशा मेरे सभी लोगों को बोलता हूँ कि हमें दोनों भी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, चाहे वो हमारा मॉडिफाइड एसएल हो, चाहे वो हमारा बड़ा एसएल हो, मेन एसएल हो, या फिर हमारा टारगेट हो। जब तक आप इस तरीके का एटीट्यूड नहीं लाएंगे तब तक आप डिसिप्लिन में काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अल्टीमेटली रिजल्ट किसी भी ट्रेड का, कोई कितना भी एक्यूरेट क्यों ना हो जाए, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो आपके फेवर में जाएगा या तो वो आपके अपोज में जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इस एक बात को अगर हम लोग हमारे दिमाग में बिठा ले, हम लोग अगर हमारे माइंड सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम लोग इसे फिट कर ले, तो आप यकीन मानिएगा ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत ही ईजी हो जाती है दोस्तों। 2:53 हो रहा है, 57, 58, 59 का प्राइस चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है इस ट्रेड में। 60, ओके ओके दोस्तों, मेघा में मेरा एसएल ट्रिगर हो चुका है, मैं कैंसिल करना था मुझे ऑर्डर। ओके ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मिनी के भी कैंसिल हो गए, मिनी की ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई थी दोस्तों, मुझे मेरा टारगेट ऑर्डर कैंसिल करना था लेकिन सभी कैंसिल हो गए, तो मैं मिनी की सामने वाले प्राइस पे, मिनी की ऑर्डर स्किप हुई है दोस्तों, होता है कभी कभार ऐसे स्लिपेजेस भी होते हैं, तो करेंट मार्केट प्राइस पे निकालने का उसे कोशिश करेंगे। 5 मिनी लौटते हैं मेरे, इसे मैं निकाल देता हूँ। 65, 66, 65 दोस्तों, मार्केट पिछले 7 महीने के लो को तोड़ रहा है, पिछले 6 महीने के लो को तोड़ रहा है, ठीक है। इसी कारण बस मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन पक्का है तो इस तरीके की अनसर्टेनिटी काफी सारे लोगों के प्रिंसिपल को खत्म करके जाती है दोस्तों। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से काम करेंगे तो इस तरीके की अनसर्टेनिटी आपको छोटा मोटा सा लॉस करवा करके जाएगी, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करवा सकती, ठीक है। और आपको डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलना है, जैसा कि मैंने बताया, और मैं भी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलता हूँ। ये स्टेट में बहुत छोटा सा लॉस हुआ है दोस्तों, लेकिन हाँ, होप्स काफी बड़ी थी, क्योंकि 106 पॉइंट्स का टारगेट हमने जो लगाया था, जो हमारे टारगेट पर आया था, ठीक है, वो कुछ यहाँ पर मैं अचीव होता हुआ नहीं दिखा। देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर इस ट्रेड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ट्रेड बुक भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ, मिनी और मेगा का मैंने दोनों का दिखा दिया। इस ट्रेड में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमने जिस जगह पर सेल किया था, जिस लेवल पर सेल किया था, बस वो लेवल थोड़ी सी गलत हो गई, ठीक है। तो और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जब आप ट्रेड करते हो तब ऐसा होता है दोस्तों, वो लेवल थोड़ी सी गलत होगी, कोई बात नहीं। मार्केट ने अगर हमें ट्रेड से बाहर निकाला है तो दोबारा से अपॉर्चुनिटी, दोबारा से मौका भी मार्केट ही देगा, और हम लोग उस मौके का इंतजार करेंगे। लॉस आप देख सकते हैं 9,150 रुपये का हो रहा है, ठीक है, और कोई बात नहीं, लॉस होता है दोस्तों, जानते हैं। पिछले 3 ट्रेड जितने भी हुए उन सभी में प्रॉफिट हुए, और इसमें अगर थोड़ा सा अगर लॉस अगर हो जाता है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, व्हाट आई थिंक इज राइट। ओके, वैसे भी आपको मंथ एंड में पूरा का पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा, इस मंथ एंड में हम लोग प्रॉफिट में या लॉस में जाते हैं। मेरा अभी तक का कैलकुलेशन है 9% का प्रॉफिट ऑलरेडी में चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी पूरा महीना खत्म होना बाकी है दोस्तों। आज की 22 ही तारीख है, 28, 28 और बाकी 3 तारीख को हम लोग हमारा महीने को खत्म करते हैं। हर 3 तारीख को हमारा अकाउंट स्टेटमेंट का वीडियो आता है, देखते हैं उसके बीच में और कितने ट्रेड आते हैं। और ये ट्रेड सच में दोस्तों बहुत सारा एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग ट्रेड था ये और इसका पिछला ट्रेड। काफी कुछ नई नई बातें आप लोगों के भी समझ में आई, कि जब आप लोअर सर्किट या अपर सर्किट के नीचे में जब आप टारगेट बंद करने का कोशिश करते हैं तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाती है, ऑर्डर रिजेक्ट कर देता है उस ऑर्डर को, एक्सचेंज रिजेक्ट कर देता है उस ऑर्डर को, ये भी बात आप लोगों के समझ में आई। और मुझे काफी अच्छा सोल्यूशन मिला मेरे पिछले वीडियो डालने के बाद में, जब डिस्कशन हुआ विकास भाई और उन सब के बीच में जब डिस्कशन हुआ, वहां पर वो एक आज बहुत अच्छी बात पता चली। मेरे 0 डा के सभी क्लाइंट्स के लिए दिक्कत हो रहा था जीटीसी ऑर्डर प्लेस करना, लेकिन उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया, मैं विकास भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वैसे मैंने वहाँ पे कमेंट में किया, लेकिन विकास भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू, तुमचा खूब खूब आभारी आहे मी, है ना, आणि खूप छान वाटलं तुमचं ते सगळं बघून, आणि मी माझ्या सगळ्यात लोकांना सांगितलं, कारण खूप सारे लोक 0 डामध्येच ट्रेड करतात आणि त्याच्यामुळे तुमचा आभारी आहे। तो ये बात भी मुझे बतानी थी दोस्तों, मैं विकास भाई को थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि उन्होंने एएमओ के बारे में बताया, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और वो काफी हेल्प किया मेरे काफी सारे क्लाइंट्स को, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, लॉस हुआ है दिखाया है, राइट। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा आपके इस वीडियो के नीचे में, कि कैसा लगा आपको ये वीडियो देख करके। और हाँ दोस्तों, भूलिएगा मत, हम वो लोग हैं जो अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं, लॉस के ट्रेड भी दिखा रहे हैं, और प्रॉफिट के ट्रेड भी दिखा रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत आगे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लैपटॉप के ऊपर में या कंप्यूटर के ऊपर में इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ से आपको मेरे चैनल पर जाना है, यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट वाले जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा वीडियोज आपको दिख जाएंगे।
कमेंट भी करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कैसे करना है। इस लाल बटन को आपने दबाना है और इस लाल बटन को दबाने के बाद अगर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो ये बाजू का जो बेल आइटम है आपने इसको दबा करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पे डबल क्लिक कर करके आपने इसे सेव कर लेना। इसे होगा ये जब भी मैं जितने भी नए वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। और अगर आप मोबाइल पर हो दोस्तों तो अपने मोबाइल के ऊपर आप मेरे वीडियो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। इसे आपने यहाँ से लाइक करना है, राइट, और इसे आपने इस तरीके से सब्सक्राइब करना है, राइट। और अगर आप किसी ट्रेडर को जानते हो तो आपने ये शेयर का ऑप्शन जिसे आप क्लिक करोगे तो इतने सारे जगह है जहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, जीमेल पे मेल भेज सकते हो, फेसबुक मैसेंजर में मैसेंजर कर सकते हो, राइट। मैं आपके लिए ऐसे ट्रुथ लेकर आऊंगा। और दोस्तों आपको और एक बार बताता हूँ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग अभी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में पहली बार आ रहे हैं उनको चीज़ें कुछ समझती नहीं होंगी, तो देखिए दोस्तों मैंने ना यहाँ पर मैं अलग से ये वीडियोज तो आपको यहाँ पर मैं दिखेंगे इस वीडियो के कॉलम में, लेकिन इसके अलावा मैंने और क्या एक प्ले लिस्ट भी बनाई है। मैं आपको प्ले लिस्ट भी दिखाता हूँ कि आपने कहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए प्ले लिस्ट, इसमें अकाउंट स्टेटमेंट की एक प्ले लिस्ट रहेगी, लाइव ट्रेडिंग की एक प्ले लिस्ट रहेगी और ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट की एक प्ले लिस्ट रहेगी। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग देखना है तो आपने इस प्ले लिस्ट में चल जाना और लाइव ट्रेडिंग देखनी है। अगर आपको मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट की वीडियो को तो आपने एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।